लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न स्तारक्षो आरिष्टनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कितनी भागो वाली है शोभा, परसों मंगनी हुई, आज शादी है और कल अपने दूल्हा के साथ कनाडा चली जाएगी। सुना है इसका पति करोड़पति है। करोड़पति? अरे करोड़पति है तो वही किसी से शादी क्यों नहीं कर ली? ब्याहने के लिए यही बिन बाप की कंगाल बेटी मिली थी। तू तो शोभा से जलती है, लड़कियां तो इसे एक से एक मिलती थी लेकिन इसे रंग बिरंगी तितलियां पसंद नहीं। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे बेटे। मुझे गरीब की बेटी से शादी करके तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। माँ जी, शोभा अनपढ़ है, कोई भूल हो जाए तो उसे माफ कर देना। बेटी, अपने पति को हर हाल में खुश रखना, तेरा पति ही तेरा सब कुछ है। मैं तो तेरी शादी के इंतजार में जिंदा थी। तू देश जा रहे हो, राम सीता की जोड़ी को एक बार जी भर कर देख लो। वेलकम होम। थैंक यू। शोभा, अपने देश से यहां दूर देश आकर ये घर बनाया है, आज से तुम इस घर की शोभा हो। फ्रेंड्स, वी हैव गैदर्ड हियर टुडे टू विश अ वेरी लॉन्ग एंड अ वेरी प्रॉस्परस मैरिड लाइफ टू मिस्टर एंड मिसेस अरुण खन्ना। लेट्स जॉइन, कंग्रेट्स। Congratulations, Arun. Thank you. भाई बेबी तो बहुत खूबसूरत लेके आए हो। अब देखना ये है कि इस विदेशी धरती पर ये फूल महकता है या मुरझाता है। अरे काका, ये भी तो हो सकता है कि ये फूल तुम्हारी तरह फूल का सेहतमंद बन जाए। जी आप इनकी फिक्र छोड़िए, अपनी खैर मनाइए, बहुत हंसी है दूसरों पर। आप आइए मेरे साथ। Ladies, here I present to you Mrs. Arun Khanna और Mrs. Khanna, ये है रीटा जिसे आपकी शादी का सबसे ज्यादा दुख हुआ है। शट अप, मुझे क्यों दुख होने लगा? Is your marriage a combination of long, long love affair? जी? I mean, did you have to wait long to get married to him? जी, मैं समझी नहीं। आप अंग्रेजी नहीं समझती? थोड़ी थोड़ी। कहाँ तक पढ़ी हो? 8वीं तक। तो यहाँ के लोगों की बातचीत कैसे समझोगी? जी, बात करना जरूरी है। भाई गूंगे भी तो एक दूसरे को अपना मतलब समझा देते हैं। Congratulations, Arun. Thanks, Guru. Mubarak. Congratulations. Thank you. Would you please like to dance with me? जी, ये पूछ रहे हैं क्या आप इनके साथ नाचना पसंद करेंगी? माफ कीजिए, मुझे नाचना नहीं आता। वाह, मजा आ गया। पूछो नहीं क्या बीती लोगों के दिनों पर, सब जल भुनकर खाक हो गए। और क्यों ना हूं, हम भी तो हिंदुस्तान से वो हीरा उठाकर लाए हैं जो लाखों में एक है। शोभा, आंसू
माना कि आंसू भी तुम्हारे मोतियों से कम नहीं, लेकिन आज की रात रोने के लिए नहीं बनी। शादी के लिए यहाँ लड़कियों की कोई कमी नहीं, फिर सात समुद्र पार आकर मुझ गरीब से शादी करने की क्या जरूरत थी। ये ना कहो कि तुम गरीब हो, जो दौलत तुम्हारे पास है यहाँ किसी के पास नहीं। लाज जो औरत का सबसे कीमती गहना होता है। इसके सिवाय और है क्या मेरे पास? सब कुछ तो है तुम्हारे पास, बस एक चीज की कमी है, यहाँ के रीतो रिवाज नहीं जानती। वो मैं सिखा दूंगा, तुम्हारी ट्रेनिंग आज इसी वक्त शुरू होगी। ट्रेनिंग? ट्रेनिंग, पहला लेसन लव, यानी कि प्यार। जब एक और एक एक दूसरे से मिल जाते हैं तो वो होंठों को होंठों के पास ले जा। रीटा, आज हमें आकाशवाणी से खबर मिली कि रीटा जी अपने श्री जी के साथ नायगरा जा रही हैं। तो हमने सोचा हम भी अपनी श्रीमती जी के साथ उनके पीछे पीछे चले हैं। इस फूल में न रहना कि आप यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं, हमने आपको अपनी नजरों की तार से खींचा है। नमस्ते रवि। नमस्ते। आप सब कुछ देख रहे हैं और फिर भी चुप है, क्यों, क्या हुआ? आपको मालूम है शादी से पहले रीता मेरे पति पर मरती थी और अब भी उनके पीछे पड़ी है। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? आप भले आदमी हैं लेकिन रीता का मेरे पति के साथ मिलना जुलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नॉनसेंस। रीता चलो। क्यों? चल के बताता हूँ। क्या हुआ रमेश? अपनी बीवी से पूछो। क्या कहा शोभा ने? कहती आप में और मेरी बीवी में गलत ताल्लुकात है। क्या? और नहीं तो क्या? ऐसी तोहमत लगाने की जरूरत तुम्हें कैसे हुई? कानों सुनी नहीं आंखों देखी बात कह रही हूँ। क्या देखा तुमने? वो आपका हाथ अपने हाथों में लिए आंखों में आंखें डालकर हंस नहीं रही थी। तो ये निकाला है तुमने इसका मतलब? और भी कोई मतलब निकलता है तो आप समझा दीजिए। शोभा ये यहाँ के रीतो रिवाज है। रीतो रिवाज का तो सिर्फ बहाना है, अब अगर किसी ने आपका हाथ पकड़ा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगी। हेलो। व्हाट सर, आई जस्ट रिसीव्ड अ फोन कॉल, यू हैव बिकम प्राउड फादर ऑफ अ सन। कांग्रेचुलेशन। थैंक्स। जैसे एक खबर मिली कि आसमान के चांद को तोड़कर आपने अपने आंचल में छुपा लिया है, हम भागे चले आए। आंखों से देखा तो यकीन हो गया। मैंने तुम्हें चांद सा बेटा दिया, तुमने मुझे क्या दिया? किस चीज की कमी है? कहने को तो सब कुछ है और सोचो तो कुछ भी नहीं। हेलो मिस्टर खन्ना है? आई एम सॉरी ही इज इन द कॉन्फ्रेंस राइट नाउ। मैं उनकी मिसेस बोल रही हूँ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। आई एम सॉरी ही इज नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड। मम्मी डैडी कब आएंगे? बहुत भूख लग रही है। भूख लग रही है बेटे? ठहर मैं अभी खाना लाती हूँ। आइए, खाइए।
खाना खा लीजिए। खाना मैं गोरा साहब के घर से खा कर आ रहा हूँ, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी। मैंने दफ्तर फोन भी किया था, आप कहलवा देते कि आप देर से आएंगे तो आपके इंतजार में मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि खाने पर मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं। हर रोज आप 12-1 बजे घर आएंगे खाना खाकर, अपना वक्त अपने दोस्तों और उनकी बीवियों के साथ गुजारेंगे, तो मेरी क्या जरूरत है? तो और क्या करूं? मेहमान घर में आते हैं तो तुम उनकी बेइज्जती करती हो, तुम्हें किसी पार्टी में ले जाता हंसी उड़ती है, और ये सब मेरे और मेरे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। तुम चाहती हो तुम्हारी खातिर सब छोड़ दूं? मैंने तुम्हारे लिए घर छोड़ा, अपना देश छोड़ा और इस दूर देश में आई तो क्या अकेली मरने के लिए? क्या मिला मुझे बदले में? क्यों किया मैंने ये सब कुछ? तुमने मुझसे शादी की है, कोई ऐसा नहीं किया। इस सौदे में घाटा मुझे हुआ है, धोखा मेरे साथ हुआ है, शिकायत मुझे करनी चाहिए। क्या हो गया आपको? आइए, ऐसा लगा आपको? ठहरिए, मैं तभी ठीक हो जाएगी। क्या? पी लीजिए ना। शोभा, सचमुच तबीयत संभल गई? क्या था ये? काढ़ा। मेरे बापू को भी ऐसे ही दौरे पड़ते थे गुस्से में, और माँ उन्हें ये बनाकर पिलाती थी। मम्मी डेविड का नाम भी लिखो। मम्मी कैटी का नाम भी लिखो। अच्छा, और किसका नाम लिखो? मम्मी अमर का नाम भी लिखो। हेलो एवरीवन, क्या हो रहा है? पिंकी के जन्मदिन के लिए मेहमानों की लिस्ट। हाँ। देख लीजिए, किसी और को बुलाना हो तो। डैडी, ये क्या है? ये बेटा पार्टी में पहनने के लिए तुम्हारी मम्मी की नई ड्रेस। अब तुम्हारे मेहमानों के सामने मुझे ये ड्रेस पहनना होगा? क्यों, अच्छा खासा तो है। मेरा दिल रख लो, मैंने तुम्हें कभी ऐसे ड्रेस में नहीं देखा। तुम जानते हो मुझे बेशर्मी पसंद नहीं, मुझे मजबूर मत करो। बस सिर्फ इस पार्टी में पहन लो प्लीज। दो बच्चों की मां को अब जलील करोगे? कहा ना नहीं। ओके, जहां से लाए हो वही लौटा दो। अच्छा लौटा देता हूँ, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए आज तो झगड़ा मत करो। Yes, sir. Nancy, please come in. Okay, sir. Yes, sir. Nancy, कल मेरी बेटी का जन्मदिन है, ये गेस्टों की लिस्ट है, सबको इन्फॉर्म कर देना। Okay, sir. हमारी पॉपी क्यों ली? क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। आप मम्मी से प्यार नहीं करते? हाँ, मम्मी से भी प्यार करते हैं। तो मम्मी की पॉपी क्यों नहीं लेते? क्यों जी, क्या इरादा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? लो सुन लिया, क्या देख रही हूँ मैं? क्या? नैंसी। हाय नैंसी। हाय। नैंसी कूपर, मेरी सेक्रेटरी। टेलीफोन पर आवाज बहुत सुनी होगी तुमने। हम? तो जो इच्छा तुम्हारी बीवी पूरी ना कर सके, ये पूरी कर देती है। हा? मतलब? ये ड्रेस तुम मेरे लिए लाए थे ना? तुमने पहनने से इनकार कर दिया। ड्रेस से पसंद आ गई, इसने पहन ली। मामूली सी तो बात है। ये भी मामूली सी बात है कि तुम हर रोज इसके साथ 12 बजे तक ओवर टाइम करते हो। ये भी मामूली सी बात है कि अब तुम्हें घर का खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसके साथ डिनर होटलों में खाते हो। और ये भी मामूली सी बात है
कि मैं तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए सिर्फ नौकरानी का दर्जा रखती हूँ, और ये चुड़ैल शोभा तुम हद से आगे बढ़ रही हो। हद से आगे ही तो नहीं बढ़ी, अपने आप को लोक लाज के हद में समेटे रखा। अगर बेशरम होकर हद से निकल गई होती तो आज तुम मेरे ही घर में मेरी सौत को ना ले आए होते। शोभा कुछ भी आज तक होता रहा और जो कल रात हुआ उसके बाद यही बेहतर होगा कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। तुमने फैसला कर लिया? शायद एक दूसरे को देने के लिए अब दुखों के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ सोचा है कहाँ जाओगे? मां तो अब रही नहीं जो हिंदुस्तान जाऊं। अमेरिका में एक रिश्तेदार है उन्हीं के पास चली जाऊंगी। ठीक है, रुपए पैसों की जितनी जरूरत हो मुझे बता देना। गरीब घर की हूँ, तीन कपड़ों में आई थी, तीन कपड़ों में ही जाऊंगी। मेरी सबसे बड़ी दौलत तो मेरे बच्चे हैं। बच्चों के साथ ले जाना चाहती हो? मेरी बाकी जिंदगी का सहारा ये बच्चे ही तो हैं। और बच्चे अगर मैं ना ले जाने दूं तो? तुम्हें कानून का सहारा लूंगी। क्या मिसेस खन्ना बच्चे साथ ले जाना चाहती हैं? जी हाँ। कोई तरीका है कि दोनों बच्चे मेरे ही पास रहे? है। क्या? हम कोर्ट में यह साबित कर देंगे कि आपके बीवी का चाल चलन अच्छा नहीं है। जी इसलिए बच्चे उनके पास रहे तो उनका कैरेक्टर बिगड़ जाएगा। मिस्टर मेहरा आपका दिमाग तो ठिकाने है। मेरी बीवी ने सपने में भी कभी किसी पराए मर्द के बारे में नहीं सोचा। आपको बच्चे चाहिए या नहीं? अगर उसके लिए मुझे अपनी सीता जैसी बीवी को अदालत में जलील करना होगा तो मेरा जवाब है नहीं। ठीक है तो मैं आपका कॉम्प्रोमाइज करवा देता हूं। लड़की आपके पास रहेगी, लड़का मां के पास रहेगा। मंजूर है। चलो चले। शोभा पता तो देती जाओ। पता तो उसका लेते हैं जिससे कोई नाता हो। मम्मी भैया stop, don't drink, go to sleep now. पीऊंगा नहीं तो सोऊंगा कैसे? तुम तो पीकर बेहोश हो जाओगे। What about Pinky? फिल्मा के इस बेचारी का
क्या हाल होगा? Darling, give me 1 month. I'll be Mrs. Arun Khanna. तुम मुझसे शादी करोगी? तो मेरा क्या होगा? हाँ? तुम तब भी वही करोगे जो अब कर रहे हो. You mean this? I mean more than this.